शादी कर ली? माँ को बताना या पूछना जरूरी नहीं समझा तूने? अब बता तो दिया है, अब बता रही है अब? अरे मैंने तुझे क्या से क्या बना दिया? तेरी नजर में मेरी कुर्बानियों की रत्ती भर भी कदर नहीं है? जो होना था हो गया, अब शोर मचाने की क्या जरूरत है? शोर न मचाऊं तो और क्या करूं? अरे मैं तो तुझे पाकिस्तान की स्टार बनाना चाहती थी, पाकिस्तान की सिंगर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन बनाना चाहती थी, पर तू? अम्मा मुझे नहीं बनना हीरोइन, मुझे घर बसाना है और मैंने घर बसा लिया। हाँ तेरी माँ ने भी घर बसाया था, तेरी नानी ने भी घर बसाया था, अब तू भी अपना शौक पूरा कर ले, घर बसा ले, लेकिन आना तुझे भी यहीं पर पड़ेगा। हारून मुझसे मोहब्बत करता है, अम्मा बहुत मोहब्बत करता है। उसने अपनी बीवी छोड़ दी? नहीं, उसकी क्या जरूरत है? अच्छा ये बता, तुझे उसने शादी में क्या दिया? कुछ दौलत तेरे नाम की? अम्मा मैंने शादी की है, कोई सौदा नहीं किया। हाँ सौदा तूने तो नहीं किया, सौदा तो उसने किया है, मुफ्त का सौदा। अच्छा नेका नामा है तेरे पास? ला मुझे दिखा। वो मेरे पास नहीं है, हारून के पास है। तो तेरे पास क्या है? नाम, खाली खुली नाम? नाम को क्या करेगी? अम्मा वो मुझे घर देगा। किराए का घर? अपना भी ले देगा? अरे वो करोड़पति आदमी पैसा खर्च करते हुए अपनी बिहायता बीवी के ऊपर तो उसकी जान निकलती है। आज वो आए मैं उससे पूछती हूँ। अरे मेरी तो मत मारी गई थी, तुझ पर इतबार करते हुए मैं उसके साथ तुझे भेजती रही, और तूने तूने ये क्या कर दिया? अरे कौन है, जाके देख दरवाजे पे। फातिमा 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 दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा मत खोलना। क्यों, क्या मुसीबत आ गई फिर? फातिमा आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे सबर कर ले, कौन है, कौन हो तुम? पहले तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी बेटी को यहाँ क्यों रखा हुआ है? तुम्हारी बेटी? अरे किराएदार है मेरी। बगैर पूछे किसी को भी किराएदार रख लेती हो, चाहे वो घर से भाग कर आया हो। घर से भाग कर? कौन आया है घर से भाग? वही जो तुम्हारे घर में। अंदर आओ अंदर आओ। लो नई स्टोरी शुरू हो गई। फातिमा फातिमा दरवाजा खोल, फातिमा फातिमा दरवाजा खोल। और ये बच्चा कौन है? कोई भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। कमबख्त कुछ तो होश कर, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ कर तेरा पता लिया है। क्यों ख्वार करी है मुझे इस बुढ़ापे में? किसने कहा था ख्वार होने को? अपने घर जाके बैठो, सारी जिंदगी परवाह नहीं की मेरी, आप आगे पीछा करने। कमबख्त क्यों अपने भाई क्या तो मरना चाहती है? अच्छा है मार दे मुझे, एक ही दफा किस्सा खत्म करे, जान छूटेगी मेरी। मेरी बात तो सुन, जाओ यहाँ से। भाई किसका बच्चा, कैसा बच्चा, इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। हाय मेरे अल्लाह, अरे मैं तो कहती थी कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है। तू कहती थी या मैं कहता था? अरे तेरे खानदान ने तो आज तक जिसको भी भेजा वो दो नंबर ही निकला। अरे चुप रहो, मेरे खानदान को बुरा कहने का मौका मिलना चाहिए तुम्हें।
बेटी किसका बच्चा लेके मेरे घर में बैठी हुई है? वो तो कहती थी कि मेरा शौहर दुबई में। झूठ बकवास, मैं इसका सारा कच्चा चिटा सुनाती हूँ आपको। खाना खा लो, लंच टाइम खत्म होने वाला है। भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? इसी दिल में चाय। ये क्या है? इंचार्ज ने दिया। आपको कैसे पता? पहली बार नहीं दिया कोई सूट किसी औरत को। जिंदगी मुश्किल में डाल दी है इंचार्ज ने मेरी। काम छोड़ भी नहीं सकती हूँ, घर कैसे चलेगा? और डरती हूँ अगर ये काम छोड़ भी दिया तो दूसरा मिलेगा या नहीं। बड़ी खुशकिस्मत होती है वो लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई होती, या अगर शादी हुई होती तो उनकी बेटियाँ नहीं होती। औरत खुशकिस्मत कभी नहीं होती, चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, चाहे बेटे हो या बेटियाँ, खुशकिस्मती औरत के हिस्से में कभी नहीं आती। क्यों जफर जी, दूसरी बीवी क्या खुशकिस्मत नहीं है? शादी के 6 साल तक मैं उसे बेटा नहीं दे सकी और वो शादी के पहले साल में उसे बेटा दे दिया उसने। मैं अपने बाप के घर में बोझ बनी बैठी हूँ, वो जफर के घर में राज कर रही है। बेटियों की माँ कभी खुशकिस्मत नहीं होती। तुम भी किसी की दूसरी बीवी बन जाओ, छोड़ तो दिया है उसने तुझे, तलाक ले और शादी कर ले। इन बेटियों की माँ से कौन शादी करेगा? दफा कर बेटियों को, शादी कर लो। ऐसा नहीं कर सकती, बेटियां सिर्फ तेरी नहीं है जफर की भी औलाद। बेटियां सिर्फ माँ की होती, बाप की नहीं। पच्चीस साल की थी जब 3 बच्चों के साथ शोहर ने घर से निकाल दिया। 35 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। होश आया तो फैक्ट्री में काम करते हो। अगर ये ना करूं तो 3 वक्त का खाना नहीं मिलता। बेटियां थी, उनके साथ नहीं रह सकती। एक बेटा था, वो और बहू न जाने किस तरह उन्होंने अपने पास रखा हुआ। कहते हैं मैंने क्या दिया उनको, मैं अच्छी औरत नहीं हूं। 35 साल रूखी सूखी खाई, आंखों में काजल तक नहीं लगाया, और वो कहते हैं मैं अच्छी औरत नहीं हूं। आप अच्छी हैं। देख, मेरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना। पाकीज़गी, शराफत, ये सब किताबी बातें। अगर तुझे मौका मिले तो मुआशरे का नहीं सोचना, ना अपनी औलाद का, सिर्फ अपने बारे में सोचना। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे किसी फैक्ट्री में काम करते हुए और अपनी औलाद के ताने लेते हुए मत गुजारना। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अजहर साहब से मिलना था। अजहर साहब? कौन अजहर साहब? ये तो रफाकत हमीद का घर है। अरे नहीं नहीं, यही एड्रेस है, मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ यहाँ। अच्छा, आप इस घर के पुराने मालिक मकान की बात कर रहे हैं? वो तो ये 6 माह पहले ये मकान बेचकर दुबई चले गए हैं।
दुबई चले गई। अच्छा अब उनका कोई अता पता एड्रेस या कोई टेलीफोन नंबर? जी नहीं, हमें नहीं पता, बस हमने तो उनसे ये मकान खरीदा है। चलिए बहुत शुक्रिया जी, सलाम अलैकुम। माँ चली गई है तुम्हारी और अब तुम भी यहां से चलती बनो। अरे बहुत धूल झोंक ली तुमने हमारी आंखों में, पता नहीं किसका बच्चा उठा के लाई है। मेरे शौहर का बच्चा है ये। उस शौहर का जिसको तुम्हारी माँ भी नहीं जानती? मैंने घर से भाग के शादी की है और ये मेरे शौहर की पहली बीवी की औलाद है। आजर भाई से पूछ लें आप, उन्होंने ही शादी कराई है हमारी। अच्छा जो भी है, उठाओ अपना सामान और निकलो, मेरे मियाँ ने कह दिया अपने लिए कोई और घर ढूंढो। तौबा है, क्या जमाना आ गया है आजकल की लड़कियों का, तो बुरा ही हाल हुआ। दुनिया बड़ी अजीब है, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। भला मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? जैसे अम्मा कह रही हैं, दूसरों का बोया काट लूं। अब मैं क्या आवारा औरत बन जाऊं? और मेरी बेटियां, उनका क्या होगा? और फिर खुद मेरे घर वाले? मगर मैं आवार औरत बनूं क्यों? और मैं क्यों अम्मा की बातों पर सोच रही हूं? खुद देख ली। डायमंड सर? जी सर, ये हारून कमाल ने आपकी वाइफ के लिए भिजवाया था। मेरी वाइफ के लिए? नहीं हुआ मुझे, बस सो जाओ, बहुत हो गया खेलना, चलो आओ इधर सो जाओ। आप फिर रो रही है? नहीं रो रही, नहीं रो रही, सो जाओ बस। देखिए, मैंने खुद जाकर उस मोहल्ले में एक एक घर से पता किया है, लेकिन किसी को भी उनके एड्रेस का पता नहीं है। वो लोग दुबई शिफ्ट कर गए। मुझे हर कीमत पर उस बच्चे के बारे में मालूमात चाहिए। देखिए, मैंने कोशिश की है और मजीद भी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कोई मुल्क से बाहर चला जाएगा तो
उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा एड्रेस और फोन नंबर है। जैसे ही उस बच्चे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। डेफिनेटली मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, लेकिन एक बात तो बताइए, उस बच्चे के साथ आपका रिश्ता क्या है? उसके बारे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे खाला, तुमने फिर इसकी बात मान ली? ना कोई निकाह नामा, ना कोई सबूत, ना कोई तस्वीर, भाग के की इसने शादी। अरे भाई मैं क्या करती? लो तफ्तीश करती, पूछती कहाँ से आया है ये बच्चा, किसी का अगवा करके तो नहीं लाई। हाय ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लो तो अब सोचो ना, मैं तो कहती हूँ पुलिस को इतला करो, बल्कि मेरा भाई है, मैं उससे बात करती हूँ। बहन तुमने तो डराई दिया है। मैं जरका के लिए रुका था। वो आ जाती है अभी, लेकिन पहले तुमसे मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। कैसी बातें? खड़ी खड़ी बातें नहीं हो सकती, बैठो। बताइए। तो मुझे ये बताओ, ये जरका से तुमने शादी का क्या ढोंग रचा रखा है? ढोंग? शादी की है मैंने उससे। अच्छा, तो लोग इस तरह से शादी करते हैं, मुंह छुपा के, छुप छुपा के, बगैर किसी को बताए, बगैर लेन देन के, बगैर लिखत पढ़त के। अब कहना क्या चाहती है? तुम इतने भोले तो नहीं हो कि मेरी बात नहीं समझ रहे? तो मुझे ये बताओ कि तुमने जरका को शादी में दिया क्या है? अपना नाम दिया है। और अपना नाम अपने पास संभाल कर रखो, इन बहलावों से जरका को ही बहलाओ। तुम मुझसे काम की बात करो। तो फिर काम की बात यह है कि मैंने आपकी बेटी पर ढेर सारे पैसे लुटाए और मुसलसल लुटा रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? हजारों लोग रोजाना जरका के ऊपर हजारों पैसे लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, तुम्हें वो खलते हैं? अगर जरका को पैसों की जरूरत है तो वो मुझसे मांग लेगी, ये उसका और मेरा जाती मामला है। वो मेरी बेटी है, उसका मसला मेरा अपना जाती मसला है। मैं पैसे की बात नहीं कर रही, मैं जायदाद की बात कर रही। जायदाद? जरका जायदाद का क्या करेगी? कल को उसकी औलाद होगी तो। कैसी औलाद? तुम्हारी औलाद। जरका और मेरे बीच ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। मेरी औलाद है और मुझे और औलाद की जरूरत नहीं है। और माफ कीजिए, पर आपकी बेटी इतनी चहेती नहीं है मेरी, मेरा मतलब है इतनी अहमियत नहीं रखती कि मैं उसके नाम घर और फैक्ट्रियाँ करता फिरूं। अगर उसकी अहमियत नहीं है तो फिर तुमने उसे शादी क्यों की? ये भी उसी की फरमाइश थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। और हाँ, आपकी बेटी से ज्यादा खूबसूरत बीवी तो मेरी घर पर है। खुशनुदियों की जहत में घुटने लगा है तुम, राजी रजा के खेल से उकता गए हैं हम। In the 2 months that we've been here advising the Nineveh Operational Command, they've managed to extend the forward line of their troops by 100 kilometers. They've liberated 36. तुम बाकर शिराजी को जानती हो? जानती नहीं हूँ, एक पार्टी में मिले थे।
फिर ये इनविटेशन कैसे? कुछ दिन पहले आया था और कॉल भी आई थी। बाकर शिराजी ने तुम्हें कॉल भी की थी? हाँ। कमाल है, तुमने मुझे बताया क्यों? आजकल तुमसे मुलाकात ही कब होती है, और वैसे भी मुझे इस डिनर में जाना नहीं है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी बुलाएगा, लेकिन उसने सिर्फ मुझे बुलाया डिनर पे। तो इसमें मसला क्या है? उसे इनविटेशन मिस्टर और मिसेस कमाल को भेजना चाहिए था। हाँ, शायस्ता उसूलन तो भेजना चाहिए था, लेकिन लेकिन शायद उसकी पीए से गलती हुई। फिर भी हारूं, ये ठीक नहीं। फिर भी तुम्हें जाना चाहिए। इनफैक्ट जाना है। क्यों? शायस्ता, वो शिराजी के पास हमारी कुछ फाइल्स हैं जो उसने रोक रखी हैं। यानी तुम्हारी फाइल्स? तुम्हें और मुझे कोई फर्क है? कुछ दिन से तो यूं ही लगता है। कैसी बातें कर रही हो शायस्ता? I love you। और क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरुण, मैंने शक करना छोड़ दिया है, अब समझौता करना सीख रही हूँ। ओहो शायस्ता, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है और किसी से नहीं। देखो, इट्स सेटल्ड, तुम ये डिनर अटेंड करोगी, बल्कि जवाबन शिराजी को यहाँ डिनर पर भी बुलाओगी। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ इस रिश्ते को बनाने का बल्कि बढ़ाने का भी। एंड यू शुडन्ट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। शाबाश। जरीना, आशिक को लंच करवा देना। काफी दोस्ती हो गई है दोनों में। तुम मुझे परेशान लग रही हो। अब नहीं बताना चाहती तो अलग बात है, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम काफी उदास हो। आप नहीं समझेंगे। अब तुम समझाओगी तो शायद समझ जाऊं। आप एक अमीर घराने से, आपको क्या समझ आएगी आम लोगों का मसला? इसका मतलब है कि मसला आन पड़ा है। मालिक मकान ने मुझे घर खाली करने के लिए कह दिया, मुझे नहीं पता कि मुझे अब घर कहाँ मिलेगा। तो ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा देती हूँ। ओके? मैं कितने दिन से कॉल कर रही हूँ, आखिर आप मेरे हारून से बात क्यों नहीं करवा रही? जी, वो बहुत बिजी हैं। आपने उनको मेरा मैसेज दिया? जी, मैं दे चुकी हूँ। मेरे नाम के साथ? जी। आप उनसे कहें कि वो मेरे घर आकर मुझसे मिले, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप अपने घर का एड्रेस नोट करवा दें। उनके पास मेरा एड्रेस है। गायब हो गया ना तुम्हारा शोहर इनामदार। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ अम्मा, ना तुम झगड़ा करती और ना वो नाराज होता। अरे, उसे तो गायब होना ही था, चार दिन पहले नहीं तो चार दिन बाद से ही। गायब नहीं है, नाराज है। मैं खुद जाऊंगी उसके ऑफिस। ठीक है, ये शौक भी पूरा कर लो, मिल जाए ना तो मेरा नाम भी दिलशाद बेगम ने। Thank you.
सलाम। वालेकुम सलाम। मैं शायद जल्दी आ गई हूँ। बहुत देर कर दी। लेकिन कोई और नजर नहीं आ रहा। नजर तो मुझे भी कोई और नहीं आ रहा। आपके बाकी मेहमान कब आएंगे? आज सिर्फ आप इनवाइटेड हैं। लेकिन कार्ड पर तो कार्ड प्रिंट हुआ था, जस्ट वन आपके लिए। तशरीफ रखिए, आइए। मुझे इस तरह बुलाने का मकसद? मैं आपसे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था आपसे, देखना चाहता था आपको। ये तो किसी भी दावत में हो सकता था। दावत में दुनिया हमारे दरमियान होती। दुनिया तो अब भी हमारे दरमियान है। मैं तो आपको सिर्फ खूबसूरत ही समझाता, मगर आप तो ज़हीन। क्या मैं इस बात पे आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया आपके जुबान से अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ऐसे हारून कमाल बहुत खुशकिस्मत मर्द है। पूछेंगे नहीं आप क्यों? जानती हूं। बहुत गुरूर है आप, होना भी चाहिए, अच्छा लगता है। आपको गुरूर तो आपको भी है अपनी पावर पे। खूबसूरत औरत के आगे ताकतवर मर्द से ज्यादा कमजोर और बेबसर कोई नहीं होता। ताकत भी हाथ बांध लेती। नहीं, मैं अगर पेंटर होता ना, आपको पेंट करता। शायर होता तो आप पे शेर कहता, और अगर गुलूकार होता तो आप पे कसीदे पढ़ता। और अगर खाना कमाएगा आपको मेरी जुबान से शायद अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगी। क्या मुझे अच्छी लगनी चाहिए थी? ये जवाब तो आप देंगे। शिराजी साहब, मैं अपने शौहर के साथ एक बहुत खुशगवार अजवाजी जिंदगी गुजार रही हूँ, बल्कि मैं अपने शौहर को आइडियलाइज करती हूँ। वाह, एक फ्लर्ट की बीवी के मुंह से उसकी तारीफ। हारून एक आइडियल हस्बैंड या मोहब्बत अंधी हो गई। खैर, आपकी तो ये लव मैरिज है ना? ये मेरा जाती मामला है। जी, खाना भी आ गया। ये मेरी तरफ से। ये क्या है? मेरी तरफ से खकीर सतो। इसकी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ रिवाज है कि घर आए मेहमान को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता। लेकिन आप वैसे भी मुझे बहुत कुछ देके जा रही है, जवाबन मेरा भी तो कुछ देना बनता है ना। लेकिन ये गाड़ी में रख दीजिए।
आप बहुत जिद्दी हैं। आपसे कम, हम दोबारा कब मिल रहे हैं? इसकी उम्मीद नहीं है। देखेंगे। खाना कैसे था? अच्छा था। बहुत जल्दी वापस नहीं आ गई? हाँ। बहुत से लोग थे? हाँ। और शिराजी साहब से बातचीत हुई? हाँ। क्या ऐसी सरसरी गुफ्तगू हुई थी? अच्छा, वैसे तुमने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया ना? नहीं। शाइस्ता, मैंने खास कहा था कि उन्हें डिनर पर बुलाओ। मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे फर्क क्या पड़ता है, आखिर मिनिस्टर हैं। ये क्या? शिराजी ने दिया गिफ्ट। क्या हुआ? ये गिफ्ट मैंने शिराजी की बीवी के लिए भेजा था। आराम से रुक के आराम से। हाँ, उसको नीचे करो, उसको दबाओ। हाँ, शाबाश। इसको ऐसे करते हैं ना, ये लो, ये चलो दबाओ। आइए साहब। कहाँ? अंदर आए। आओ। हाँ, चल रहा है। इधर। आइए साहब, ये है वो औरत और बच्चा जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। क्यों गिरफ्तार करना है? मैंने क्या किया है? मासूम मर रही हो? तुमने इस बच्चे को अगवा किया है? और क्या किया? अगवा? ये मेरा बच्चा है, मैंने कोई अगवा नहीं किया। नाम क्या है तुम्हारे शौहर का? फरीद। किधर है वो? दुबई में। उसका फोन नंबर और एड्रेस दो हमें। वो मेरे झगड़ा हो गया उससे।
अच्छा झगड़ा चल रहा है। शादी कब हुई तुम्हारी? 6 माह पहले। 6 माह पहले? 6 माह पहले हुई है तो ये बच्चा कहाँ से आ गया? बच्चा वो बच्चा उसकी पहली बीवी से है। अगर पहली बीवी से है तो तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो पहली बीवी मर गई, उसकी शौहर से झगड़ा चल रहा है और फिर भी बच्चा उसने तुम्हें दे रखा है। सीधी तरह बताओ कि बच्चा कहाँ से उठा कर लाई हो? मैंने बच्चा नहीं उठाया, उठाया नहीं है मैंने। अच्छा 4 दिन जेल में रहोगी ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। जाओ ले जाकर बंद कर दो इसे। मैंने नहीं उठाया बच्चा। ले जाओ। मैंने मेरी मेरा यकीन करिए, मैंने उठाया नहीं है बच्चा। हाँ मैं जानती हूँ फातिमा को, पुलिस स्टेशन में, मगर क्यों? क्या बच्चा हुआ किया उसने? कम से कम तुम मुझे तो बता देती, मुझसे क्यों छुपाया तुमने? अगर मैं आपको बता दी तो सबको पता चल जाता, फिर सब अजीब अजीब नजरों से देखते। मैं छुपा लेती हर बात को, किसी को नहीं बताती। अरे शहीद के साल में होगा तो मेरे बगैर सोता भी नहीं, उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं पता नहीं। तुम परेशान मत हो, मैं उससे मिलकर आई हूँ, बिल्कुल ठीक है। आप मेरी मदद करें किसी तरह, रबिया मैडम मुझे यहाँ से बाहर निकालें। मैं अजहर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बस अब एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अच्छा जब तक ये मसला हल होता है आप शहीद को अपने पास ले जाएं, अगर वो नहीं हो सकता तो मेरे पास भिजवा दें, वो अकेला कैसे रहेगा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये केस भी तो उसी की वजह से हुआ है ना। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, आरसी तौर पे किसी तरह से उसकी कस्टडी हासिल कर लूँ। फातिमा तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, कुछ सोचना तो चाहिए था तुम्हें। मैंने तो अपना घर बनाने की कोशिश की थी रबिया,